सोमवार को लखनऊ के हत्याओं से दो हत्याएं हुई हैं लखनऊ में और इन दो हत्याओं से लखनऊ दहल गया है। दो अलग अलग घटनाओं में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर दो लोगों की हत्या कर दी है। पहली घटना थाना बाजारखाला क्षेत्र की है, जहां पेशे से प्रॉपर्टी डीलर 25 वर्षीय जैद शकील की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो जैद शकील अपने दोस्त के साथ क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होकर घर लौट रहा था, तभी घर के नजदीक बाइक सवारों ने बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बदमाश जैद से 20,000 की नकदी और पिस्टल भी लूट लेकर गए हैं। लखनऊ पुलिस अभी जैद की हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है, तभी बदमाशों ने बंथरा इलाके में कोटेदारी का काम करने वाले 54 वर्षीय अशोक मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी है। तो बेखौफ बदमाशों ने अशोक मौर्य को उन्हीं की दुकान में घुसकर गोली मारी है और एक दिन में दो लोगों की हत्या से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लखनऊ के SSP मंजिल सैनी ने जल्द ही दोनों हत्याओं के आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जो जीते थे ट्रॉफी वो जैद के हाथ में थी, वो हम लोग आ रहे थे बिल्लोचपुरे के अंदर से घुस के वाटर वर्क्स वाली रोड से, वो वैसे पीछे से किसी ने आके जैद के सर पे गोली मार दी। नहीं, मैंने पहचाने के, मैंने जैसे जैद को देखा बस होश खो गया, बिल्कुल देख के बिल्कुल दंग रह गया। फिर मैंने जैद को फौरन चिमटाया, मैं वहाँ चिल्लाया भी रोया भी, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन किया, तब एक मित्र आए जल्दी से एक्टिवा बैठा, जल्दी उसको ट्रामा सेंटर लेके हम लोग पहुँचे। दो लड़के बाइक से आए हैं उनके पीछे से और उन्होंने शूट किया है इसको, जिसमें गोली जैद को लगी और अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और पोस्टमार्टम इसमें कराया जा रहा है और जो भी इसमें अपराधी हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की।